दोस्तों ये जो सॉन्ग है अभी इंस्टाग्राम पर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। क्या दोस्तों आप भी इस सॉन्ग के ऊपर कुछ इस तरह का रील्स वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो खुद से? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सिखाऊंगा इस तरह का आपको रील्स एडिटिंग कैसे क्रिएट करना है। अगर दोस्तों आप लोग मेरे से कोई भी अगर वीडियो एडिटिंग करवाना चाहते हो तो दोस्तों मुझे कॉमेंट या इंस्टाग्राम पर मैसेज ज़रूर करना। सिंपली से दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको प्ले स्टोर ओपन करके आपको एलर्ट मोशन ऐप दोस्तों आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। दोस्तों एलर्ट मोशन ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल में चले जाना है। टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों जीएसके एडिटिंग जोन। दोस्तों टेलीग्राम चैनल में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक बीट मार्क और दोस्तों यहाँ पर आपको एक इफेक्ट वाला आपको प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बीट मार्क प्रोजेक्ट में आपको इस थ्री डॉट में क्लिक करके यहाँ पर आपको शेयर का ऑप्शन मिलेगा, इसमें क्लिक करना है। और दोस्तों सिंपली से यहाँ पर आपको मिल जाएगा दोस्तों एलर्ट मोशन। दोस्तों इसमें क्लिक करने के बाद आपको एलर्ट मोशन में ऐड हो जाएगा प्रोजेक्ट। नेक्स्ट स्टेप जो है दोस्तों इसको भी आपको इस तरह से शेयर करके आपको एलर्ट मोशन में ले आना है, ठीक है। लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोस्तों एलर्ट मोशन ऐप आपको ओपन करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एलर्ट मोशन ऐप ओपन करने के बाद सबसे ऊपर आपको बीट मार्क वाला प्रोजेक्ट दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको बीट मार्क वाला प्रोजेक्ट कुछ इस प्रकार से आपको दिखने को मिलेगा। सिंपली से आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो है दोस्तों आपको सेक इफेक्ट में आ जाना है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको नीचे दोस्तों आपको तीन इफेक्ट आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। सिंपली से आपको क्या करना है, आपको दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे जो तीन आपको इफेक्ट है इसको आपको इस तरह से आपको टच करके आपको इस तरह से आपको कॉपी करना है, तीन ही कॉपी करना है, ठीक है। इस तरह से आपको इस पहले इसको आपको मार्क कर लेना है, उसके बाद दोस्तों इस ऑप्शन में क्लिक करके आपको डुप्लीकेट एज लेयर कर लेना है, ठीक है। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पर आपको बैक आ जाना है और दोस्तों आपको बीट मार्क वाला प्रोजेक्ट में जाना है, आपको दोस्तों इस ऑप्शन में आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पेस्ट थ्री लेयर कर लेना है। इतना दूर करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस दिखने को मिलेगा। सिंपली से आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दोस्तों दिखने को मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन, ठीक है। सेकंड वाला ऑप्शन में आपको क्लिक करना है और दोस्तों यहाँ पर आपको एडिट ग्रुप में आ जाना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपको चार फोटो दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो सिंपली से आपको क्या करना है, इसमें आपको क्लिक करना है और दोस्तों यहाँ पर आपको कलर एंड फिल में जाना है। जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इस ऑप्शन में आपको क्लिक करके आप दोस्तों जो फोटो दोस्तों पहले रखना चाहते हो आपको क्या करना है, इस तरह से दोस्तों आपको सबसे पहले फ़ोटो सिलेक्ट करना है, ठीक है। और दोस्तों इस कॉर्नर में आपको प्लस वाला आइकन मिलेगा, इसमें आपको क्लिक करके इसको प्लस कर लेना, ठीक है। इसी तरह दोस्तों आपको क्या करना है, आपको चार फोटो आपको ऐड करना है। तो दोस्तों फर्स्ट फोटो ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख रहे हो फर्स्ट फोटो ऐड हो गया है। और दोस्तों आपको क्या करना है, आपको दोस्तों फिर से जाना है दोस्तों यहाँ पर ग्रुप में, ठीक है। ग्रुप में जाने के बाद दोस्तों नेक्स्ट फोटो में आपको क्लिक करना है और कलर फिल में जाना है और उस ऑप्शन में क्लिक करके आपको दोस्तों वही फ़ोटो ऐड करना है जो दोस्तों आपने पहले ऐड किया था, ठीक है। इसी तरह दोस्तों आपको क्या करना है, चार फोटो आपको सेम टू सेम ऐड करना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आपको चार फोटो ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, बैक आ जाना है, ठीक है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस दिखने को मिलेगा, इसका साइज़ थोड़ा आगे चला जाए, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, आपको दोस्तों दोबारा बैक आ जाना है, ठीक है। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, दोस्तों यहाँ पर जो लास्ट से सेकंड नंबर जो थर्ड नंबर ऑप्शन है इसमें क्लिक करना है और फिर से कलर फिल में जाके आपको दोस्तों वही फ़ोटो आपको सिलेक्ट करना है दोस्तों, ठीक है। वही फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फिर से एक बार आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको दोस्तों बीट मार्क के हिसाब से फ़ोटो ऐड करना है। फ़ोटो कैसे ऐड करना है, आपको दोस्तों इस फ़ोटो के एंड पोजीशन में आपको आ जाना है। आ जाने के बाद दोस्तों नीचे प्लस वाला आइकन में क्लिक करके मीडिया में जाना है और दोस्तों जो फ़ोटो पसंद है उसको ऐड करना है। ऊपर दोस्तों आपको थ्री डॉट मिलेगा, इसमें क्लिक करके फिल टू कंपोजिशन एरिया करना है। उसके बाद दोस्तों आपको इस ऑप्शन में क्लिक करना है और नेक्स्ट बीट में आ जाएगा, उसके बाद इसको आपको राइट साइड कट करना है, ठीक है। इसी तरह दोस्तों फिर से प्लस वाला आइकन में क्लिक करके मीडिया में जाना है। जाने के बाद दोस्तों जो फोटो पसंद है उसको ऐड करना है, थ्री डॉट में क्लिक करके फिल टू कंपोजिशन एरिया करना है। फिर से इस ऑप्शन में क्लिक करके आपको इसको राइट साइड ट्रिम करना है। इसी तरह दोस्तों आपको एंड तक बीट मार्क के हिसाब से फोटो को ऐड कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सभी फोटो को बीट मार्क के हिसाब से अच्छे से ऐड कर चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको दोस्तों यहाँ पर आपको आ जाना है दोस्तों चेक इफेक्ट में, यानी दोस्तों इफेक्ट वाला प्रोजेक्ट में। इसमें आपको आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ऊपर वाला जो चार इफेक्ट है इसको आपको कॉपी करना है, मतलब दोस्तों इसमें आपको प्रेस करके पहले इसको मार्क कर लेना है। उसके बाद इस यहाँ पर जाके आपको कॉपी लेयर कर लेना, ठीक है। कॉपी फोर लेयर करने के बाद इस बार आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों वाला आपको
प्रोजेक्ट में आपको ओपन करना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको प्लस वाले आइकन में क्लिक करके इसको आपको पेस्ट फॉर लेयर आपको कर लेना है। पेस्ट फॉर लेयर करने के बाद दोस्तों आपने जिस तरह से इसको कॉपी किया था इसको भी फिर से आपको मार्क करना है। मार्क करने के बाद वीडियो के एंड तक जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको इस ऑप्शन में क्लिक करके इसको एंड तक कर लेना है, ठीक है। इफेक्ट वाला प्रोजेक्ट में जाना है और दोस्तों जो आपको छोटा वाला फोटो दिख रहा है इसमें क्लिक करके इफेक्ट में आना है। थ्री डॉट में क्लिक करके आपको दोस्तों कॉपी इफेक्ट कर लेना है। इसको दोस्तों पूरा आपको बैक आ जाना है, ठीक है। बैक आने के बाद दोस्तों आपने दोस्तों वो वाला प्रोजेक्ट में आपको चले जाना है, बिटमार्क वाला प्रोजेक्ट में। और दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, जो दोस्तों छोटा छोटा फोटो आपको दिख रहा है उसमें क्लिक करके आपको इफेक्ट में जाना है। थ्री डॉट में क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसी तरह दोस्तों आपको कुछ इतना दूर आपको कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख रहे हो जो छोटा छोटा फोटो था मैं उस इफेक्ट को ऐड कर चुका हूँ। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपको इफेक्ट कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी तो कैसे करना है आप सब जानेंगे हो। तो दोस्तों सिंपली से फोटो में क्लिक करके इफेक्ट में जाना है और थ्री डॉट में क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको बिटमार्क वाला प्रोजेक्ट में जाना है। जाने के बाद दोस्तों जो बड़ा फोटो है, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको क्लिक करना है। थ्री डॉट में क्लिक करके इसको आपको पेस्ट इफेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसी तरह दोस्तों आपको एंड तक इसको आपको पेस्ट इफेक्ट करते जाना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एंड तक पेस्ट इफेक्ट कर चुका हूँ। करने के बाद दोस्तों मेरा वीडियो रेडी हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको वीडियो सेव करने के लिए आपको दोस्तों इस ऑप्शन में जाना है। जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे मिलेगा एक्सपोर्ट, तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट में क्लिक करना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको वीडियो सेव होने में थोड़ा आपको टाइम लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हो मेरा वीडियो सेव हो गया है। और दोस्तों वीडियो सेव होने के बाद यहाँ पर आपको नीचे इसमें दोस्तों आपको सेव में क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों चलो एक बार मैं आपको साउंड के साथ वीडियो भी प्ले करके दिखा देता हूँ किस तरह से एडिटिंग हुआ है, ठीक करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देख रहे हो यहाँ पर प्रीव्यू में जिस तरह से वीडियो को देखा था सेम टू सेम एडिटिंग हो गया है। अगर दोस्तों आपको एडिटिंग करने में कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। अगर दोस्तों आप सभी को इस तरह का वीडियो एडिटिंग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू इंटरेस्टिंग न्यू वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।